किचन की बेहतर व्यवस्था और साफ सुथरा घर मन को अलग ही सुकून देते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, इन सुझावों को आजमाकर देखिए। बोतलों का इस्तेमाल। मसालों के डिब्बों की जगह बोतलों का इस्तेमाल कीजिए। एक शेल्फ के नीचे के हिस्से में चुंबक की स्ट्रिप लगाए और मसालों की बोतलों के ढक्कनों पर भी। अब बोतलों की कतार को शेल्फ के नीचे लटका दीजिए। सामान रखने की जगह की रसोई में कमी पड़ती ही रहती है। एक अतिरिक्त शेल्फ के विचार का सदा स्वागत ही होगा। बजाय अलमारी के लंबे बोर्ड लगा लीजिए, वो भी छत तक। इससे किचन का विस्तार भी रेखांकित होगा। कांच के मर्तबान। सामान के भंडारण का तरीका बदल दीजिए। अपारदर्शी डिब्बों में रखा सामान जहां ढूंढने की मुश्किलें पैदा करता है, वहीं शेल्फ भी भरे भरे दिखते हैं। कांच के मर्तबानों और बोतलों का उपयोग सुकून और सुविधा दोनों देगा। रंगों की कमी रसोई की दीवारों पर हमेशा से खटकती रही है। हम भारतीय रसोई की दीवार पर कोई कलाकृति नहीं लगाते। इस धारणा को बदलिए और रसोई की दीवार को मनचाहे रंगों वाली पेंटिंग से सजाइए। संभव हो तो गुलदान भी रखें। अलमारी बड़े काम की। रसोई की अलमारी की दराजों में रसोई के नैपकिन, टेबल कवर, मोमबत्तियां, पेपर नैपकिन आदि को व्यवस्थित रूप से जमाइए। इनके एक ही जगह पर रहने से आप रसोई की गतिविधियों को और सुचारू बना पाएंगी। अलमारी में मचा है घमासान और नहीं मिलते कपड़े, ये टिप्स करेगी मदद। कपड़ों की अलमारी को साफ सुथरा करना किसी अभियान से कम नहीं होता। ये जोड़ा जाएगा, वो हटाया जाएगा, तब जाकर हमें अपने कपड़े थोड़े बड़े हुए लगते हैं। वही बिखरी हुई अलमारी के कारण दफ्तर जाते वक्त पहनने को कुछ नहीं मिलता। हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ऐसी कुछ आसान टिप्स जो अलमारी व्यवस्थित रखने में आपकी मदद करेंगे। ऐसी कुछ आसान टिप्स जो अलमारी व्यवस्थित रखने में आपकी मदद करेगी। कपड़ों की अलमारी को साफ सुथरा करना किसी अभियान से कम नहीं होता। ये जोड़ा जाएगा, वो हटाया जाएगा, तब जाकर हमें अपने कपड़े थोड़े बड़े हुए लगते हैं। वही बिखरी हुई अलमारी के कारण दफ्तर जाते वक्त पहनने को कुछ नहीं मिलता। हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ऐसी कुछ आसान टिप्स जो अलमारी व्यवस्थित रखने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी अलमारी को व्यवस्थित करने का कारण खोजें। वो क्या कारण है जिसके कारण आप अपनी अलमारी जमाना चाहते हैं, जैसे कपड़े नहीं मिलते, कपड़े हैं ही नहीं आदि। अलमारी को धूप में अच्छी तरह से सुखा लें, साथ ही साथ इसमें रखे जाने वाले कपड़े भी सुखा लें। अलग आपकी अलमारी लकड़ी की है तो पेंट आदि करा सकते हैं ताकि सीलन की समस्या ना हो। अलमारी को खुला छोड़ दें, इससे उनकी गंध निकल जाएगी और कपड़ों में कोई गंध नहीं रहेगी। कपड़ों में गंध ना आए, इसके लिए निप क्लीन बॉलर्स भी डाले जा सकते हैं। मार्केट में कई तरह के एंटी फंगल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इनसे कपड़ों को कोई नुकसान नहीं होता है। चाहे तो ये डाले जा सकते हैं। अलग अलग मौसम के कपड़ों को अलग अलग तह करके रखें। खासकर गर्म कपड़ों को अखबार में रखें ताकि उन्हें समय समय पर धूप दिखा सकें। साड़ियों और सलवार कमीज के लिए अलग से बैग आते हैं। इनमें रखने पर कपड़ों की तह भी खराब नहीं होती है और खास मौकों पर पहने जाने वाले कपड़े सुरक्षित रहते हैं। देख लें कि कौन से कपड़े हैंगर में जाने हैं और कौन से कपड़े तह करके रखे जाने हैं। इससे काम आसान हो जाता है। अलमारी में कई छोटे खाने भी होते हैं, चाहे तो इनमें अपने कॉस्मेटिक्स रख सकते हैं। टाई, घड़ी, रुमाल जैसी चीजें भी रखी जा सकती हैं। इस तरह चुटकियों में सेट हो जाएगी आपकी फैली हुई कपड़ों की अलमारी। वार्डरोब को सेट रखने के साथ टिप। अक्सर लोगों की अलमारी बहुत फैली रहती है। वीकेंड के लिए सबसे बड़ा काम होता है अलमारी सेट करना। आप इन टिप्स और ट्रिक्स से अलमारी को एकदम साफ और सेट रख सकते हैं। इस तरह चुटकियों में सेट हो जाएगी आपकी फैली हुई कपड़ों की अलमारी। वार्डरोब को सेट रखने के साथ टिप्स। अक्सर लोगों की कपड़ों की अलमारी फैली रहती है। जरूरत के वक्त कोई कपड़ा ढूंढने बैठो तो कई बार मिलता ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारी अलमारी का फैला रहना। ज्यादातर लोगों का वीकेंड पर अलमारी सेट करने का काम होता है। हालांकि आप अगर थोड़ा स्मार्टली काम करें तो आपकी अलमारी हमेशा एकदम सेट रहेगी और आपको सभी सामान आसानी से मिल जाएंगे।
आज हम आपको ऐसे टिप्स बता रहे हैं जिससे आपकी अलमारी एकदम सेट रहेगी और साफ सुथरी दिखेगी। एक, कपड़ों को डिवाइड करें। अलमारी को सेट करने के लिए सबसे पहले कपड़ों को अलग अलग रखना शुरू कर दें। आप किसी हॉट बोर्ड, पट्टा या कपड़े से इसे डिवाइड कर सकते हैं। इससे आपके कपड़े अलग अलग रहेंगे और आप उन्हें आसानी से सर्च कर पाएंगे। दो, कपड़ों को इस तरह रखें। अलमारी को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए कुछ कपड़ों को सीधे रखें और कुछ को लिटाकर रखें। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हैंगर में टांग कर रखा जाता है। ऐसे में अलमारी में नीचे कई बार जगह होती है। आप चाहें तो इस जगह में लिटाकर यानी फोल्ड बनाकर भी कुछ कपड़ों को रख सकते हैं। इससे जगह भी मिलेगी और आपकी अलमारी भी सुलझी रहेगी। तीन, एक हैंगर में टांगे कई कपड़े। अलमारी को व्यवस्थित रखने का एक और तरीका है कि आप ज्यादातर कपड़ों को हैंगर में टांग कर रखें। अगर आप कुर्ते पहनती हैं तो हैंगर में सूट, पजामे और दुपट्टा को एक साथ रखें। इससे सामान आसानी से मिल जाते हैं। आप शर्ट और पेंट के सेट बनाकर हैंगर में हैंग कर सकते हैं। इससे निकालने में आसानी होती है। साड़ी का मैचिंग ब्लाउज और पेटीकोट को भी इसी तरह टांग सकते हैं। चार, अलमारी के दरवाजों का इस्तेमाल करें। अगर अलमारी में ज्यादा सामान हो रहा है, छोटी मोटी चीजें जैसे मोजे, टाई या फिर रुमाल, आप अलमारी के दरवाजे पर हैंगर टांग कर लगा सकते हैं। यहाँ क्लिप की मदद से भी चीजों को टांग सकते हैं। इससे छोटे सामान आसानी से मिल जाएंगे और आपकी अलमारी भी सेट रहेगी। पाँच, कपड़ों को थीम के हिसाब से रखें। आप अपनी अलमारी को सेट रखने के लिए कपड़ों को थीम या फंक्शन के हिसाब से रखें। जैसे ऑफिस के कपड़े, घर में पहनने वाले कपड़े, जिम में पहनने वाले कपड़े, ट्रेडिशनल कपड़े। सभी कपड़ों को एक जगह रखने से कई बार मुश्किलें बढ़ जाती हैं। थीम के हिसाब से कपड़े रखने से कपड़े आसानी से मिल जाते हैं। छह, अलमारी के नीचे वाले हिस्से का इस्तेमाल करें। आजकल अलमारी के नीचे दराज जैसी बना दी जाती है। इसका इस्तेमाल आप जूते चप्पल रखने के लिए कर सकते हैं। आप इसमें कम इस्तेमाल होने वाली चीजें रख सकते हैं। जूतों में भी रोजाना इस्तेमाल होने वाले फुटवेयर को आगे की ओर रखें और कम इस्तेमाल होने वालों को पीछे की ओर रख दें। सात, अलमारी में रखें नेपथलीन की गोलियां। कई बार बहुत ज्यादा कपड़े होने की वजह से अलमारी से अजीब सी बदबू आने लगती है। इसके लिए आप अलमारी में नेपथलीन की गोलियां रखें। ज्यादा कपड़े होने से अलमारी में बदबू सी आने लगती है। इससे फंगस की समस्या भी नहीं होगी। करना अभी खाली यार ऊपर से ये बड़ी बड़ी खूब बढ़िया लगे समझ ले।
बना लिए। मेरा क्लोरोफिल बनना बंद हो गया इस जगह पे, फिर से चेक करके लिखवाई थी। हाँ हम तो देख, चेक उक ना कर एक रही इस बार जगह। कर ला चेक तो ठीक हो गएगा, फिर इतना बढ़ा थी तो हम डेली 100-150 क्लोरोफिल, 3 महीना क्लोरोफिल चला जा रहा है। कुछ तो कुछ छिपा गया है। बार बार बोल रहे कुछ की पता नहीं है, लॉगिन दाखिल तो अपन महीने महीने कटाई रहती है, इतने पैसे जितना कटाई एक है लाख रुपया दे ला ऊपर से। नौ हाँ पहले सबसे पहला सीरियल को कोई पता था हम लोग देखते थे, याद है? हाँ। अरे एगो केसरी के, एगो केसरी के बनवाई थी बबीता जी हाथी। हाँ बबीता जी के घर राजेश दा के घर के बगल में तो देख ली ना। अरे माने राजेश दा की डॉक्टर साहब है ना, वो बिया के घर घर के बगल में देखे बबीता जी सब। सुनिए ना, छेना आधा खा लीजिए, दवाई खा लीजिए, छेना तो खा ले। Thank you.